आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ब्यावर मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित सब्जी मंडी में सब्जी और फल लेकर आने वाले अलग अलग प्रदेशों और गांवों के लोगों की ना तो स्क्रीनिंग की जा रही है और ना ही उनकी कोई जानकारी ली जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन सब्जी मंडी में हालत पहले जैसे ही है। बीते वर्ष मंडी के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया था, साथ ही मंडी में जाने वाले हर व्यक्ति की जानकारी रखी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। रोजाना यहां भारी भीड़ उमड़ रही है, इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। बीते साल इस लापरवाही के कारण कुछ समय के लिए मंडी को बंद करना पड़ा, क्योंकि मंडी में काम करने वाले ज्यादातर लोग शहर के अलग अलग वार्डों में रहते हैं। इस बार हालत पिछले साल से भी खराब है। ऐसे में प्रशासन ने लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन, मंडी सचिव सभी कोरोना की चेन को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मंडी का यही हाल रहा तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। मंडी सचिव महेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूरा प्रशासन सवेरे से ही मंडी पर अधिकारी सहित तैनात है और बिना मास्क वालों को मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और फोर व्हीलर को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खतरा काफी रहता है। मंडी में स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही। वहीं मास्क और सामाजिक दूरी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और साथ ही व्यापारियों को भी पाबंद किया गया है कि वो किलो दो किलो सब्जी किसी व्यक्ति को ना दें। अगर कोई व्यापारी ऐसा करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फल सब्जी मंडी में अभी इन दिनों लॉकडाउन में भारी भीड़ को देखते हुए हमने व्यवस्था करी है। हमारे मंडी समिति के 5 गार्ड, पुलिस प्रशासन, उपखंड अधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब, इनसे चर्चा मीटिंग की जाकर हमने कुछ व्यवस्थाएं की है। और आम पब्लिक से भी ये मतलब अपील की जा रही है कि भाई जो रिटेल व्यापार है, किलो दो किलो सब्जी लेने वाले मंडी में नहीं आएं, कोरोना गाइडलाइन की पालन करें, सुरक्षित रहें। मंडी थोक व्यापार के लिए है और जो गली में टेम्पो, टैक्सी या ठेले वगैरह आ रहे हैं इनसे ही सब्जी लेवें। अनावश्यक यहाँ पर भीड़ उपस्थित नहीं करें और सुरक्षित रहें। सर, गाइडलाइन का तो पूरा पालन नहीं हो रहा है। वैसे सब्जी हर घर के अंदर 4 तरीके की सब्जी मिल सकती है, क्यों ना कि मंडी में 2 दिन ही सब्जी मंडी खुली जाए। नहीं, मंडी किसानों की व्यवस्था है। आप जानते हो कि जो हरी सब्जियां हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, इनको रोज आती है और रोज बिकने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार के भी आदेश हैं कि सुबह 6 से 11 परमिशन दी गई है थोक व्यापार के लिए, तो इसे निचले स्तर पर उल्लंघन माना जाएगा, इसलिए मंडियों को तो खोला ही जाएगा। लेकिन इसके लिए एहतियातन मंडियों को इस प्रकार से संचालन करना होगा ताकि कोरोना की जो महामारी है इससे भी बचाव हो सके, सप्लाई चेन भी बनी रह सके, लोग पैनिक की स्थिति में नहीं आए। तो व्यापारी को पाबंद करें कि 2-2 किलो, 1-1 किलो सब्जी ना दें। बिल्कुल, व्यापारी 1-1 किलो सब्जी लेने मार्केट इसमें मंडी में आप पधार रहे हैं। व्यापारियों को पाबंद किया जा रहा है और जो भी इसकी पालना नहीं करेगा मंडी समिति उस पर एक्शन लेगी, लाइसेंस रद्द करेगी, उनके प्रवेश मंडी में प्रवेश से।